18 साल पहले आई इस फिल्म में नहीं था कोई सुपरस्टार। क्रिटिक्स ने दी थी खराब रेटिंग, फिर भी बजट से 6 गुना की थी कमाई। साल 2006 में आई सुपरहिट इस फिल्म को क्रिटिक्स से खराब रिव्यू मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह ताबड़तोड़ कमाई करती हुई नजर आई। आज कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट और फ्लॉप एक रिव्यू से साबित हो जाता है, लेकिन 18 साल पहले आई एक फिल्म जिसे खराब रिव्यू मिला था, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर बजट से 6 गुना कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार, सलमान खान या शाहरुख खान जैसा कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था, लेकिन फिर भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इतना प्यार मिला कि यह सुपरहिट फिल्मों में शामिल हो गई। वही आज जब भी यह फिल्म टीवी पर आती है तो लोग इसे देखे बिना नहीं रह पाते। यह फिल्म प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की थी, जो कि साल 2006 में रिलीज हुई। मूवी में परेश रावल, ओम पुरी, रितेश देशमुख, रीमा सेन, राजपाल यादव, सुधा चंद्रन, गोवर्धन असरानी और शक्ति कपूर अहम किरदार में नजर आए। फिल्म का नाम था मालामाल वीकली, जिसे कहा जाता है कि रितेश देशमुख लीड रोल में थे, पर कॉमिक टाइमिंग के कारण फिल्म पूरी तरह ओम पुरी और परेश रावल के कंधों पर आ गई थी। IMDb के अनुसार भारत में ज्यादातर आलोचकों ने फिल्म को खराब रेटिंग दी थी, लेकिन सिनेमा दर्शकों के बीच यह आश्चर्यजनक रूप से हिट रही। यहाँ तक कि कई समीक्षकों का मानना है कि यह फिल्म वेकिंग नेट डिवाइन 1998 से काफी मिलती जुलती है, लेकिन मेकर्स ने दावा किया कि यह पूरी तरह और बिल्कुल ओरिजिनल है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि फिल्म का बजट था 6 से 7 करोड़ और कमाई 42.76 करोड़ तक रही।